महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिसमें से कौरवों की तरफ से कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और पांडवों की तरफ से युयुत्सु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी आदि महाभारत के युद्ध में 39,40,000 योद्धा मारे गए। महाभारत युद्ध के परिणाम स्वरूप पांडव संख्या में कम होने के बावजूद जीत गए और कौरव संख्या में पांडवों से कहीं अधिक होने के बाद भी हार गए। इसका कारण उनके कर्म को माना गया। श्री कृष्ण ने पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर का राज तिलक करवा दिया। आइए जानते हैं आखिर जिनका राज तिलक स्वयं भगवान के हाथों से हुआ हो, उनका विनाश कैसे हुआ। राज तिलक और गांधारी का शाप। कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का शासन मिला और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का महाराज बनाया गया। किन दूसरी तरफ गांधारी एक दुखी त्रस्त महिला के रूप में विलाप कर रही थी, अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मना रही थी। जब युधिष्ठिर को सिंहासन सौंप दिया गया, श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से विदाई लेने का समय आया, तब गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके वंश का अंत हो जाने का शाप दिया। महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर पर पांडवों ने 36 वर्षों तक शासन किया। इस बीच गांधारी का शाप अपना असर दिखाने लगा और श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में एक अशुभ घटना घटी। वहां एक उत्सव के दौरान सभी यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे की हत्या करने लगे। श्री कृष्ण बैकुंठ लौट गए। एक दिन जब श्री कृष्ण ध्यान में लीन थे तो जरा नाम के शिकारी ने वन में हिरण का शिकार करते समय तीर चलाया, जो श्री कृष्ण के पैर में लगा तीर लगने के बाद भगवान कृष्ण ने शिकारी के सामने ही विष्णु का रूप धारण किया और नश्वर शरीर को त्याग दिया। कलयुग की शुरुआत। श्री कृष्ण जिस दिन बैकुंठ को लौटे उसी रात को 12 बजे से कलयुग का प्रारंभ हो गया। वेदव्यास जी से श्री कृष्ण के प्रयाण की सूचना मिलने पर युधिष्ठिर अपने प्रपौत्र परीक्षित का राज तिलक करते हैं और फिर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चले जाते हैं। महाभारत के अनुसार हिमालय से वह स्वर्ग चले जाते हैं और इस यात्रा में एक कुत्ते के रूप में आए यमदेव उनका मार्गदर्शन करते हैं। जैसे जैसे सभी पांडव हिमालय पर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, वे एक एक करके गिरने लगते हैं और उनकी आत्मा उनका शरीर छोड़ने लगती है। ये क्रम द्रौपदी के साथ शुरू होता है और भीम की मृत्यु पर समाप्त होता है। उनकी मृत्यु का कारण उनकी आकांक्षाओं और उनके अभिमान से जुड़ा है। केवल युधिष्ठिर ही थे जिन्होंने किसी भी चीज पर अभिमान नहीं किया। इस कारण केवल वही जीवित रूप में हिमालय के ऊपर स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर पहुंच पाते हैं। स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर भगवान यम कुत्ते के रूप को त्याग कर अपने असली रूप में आते हैं और युधिष्ठिर को स्वर्ग में प्रवेश देने से पहले उन्हें नरक में ले जाते हैं। नरक में युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को अपने पाप का पश्चाताप करते हुए देखते हैं। इसके बाद भगवान इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाते हैं और उनसे वादा करते हैं कि उनके भाई और द्रौपदी भी जल्द स्वर्ग में स्थान ले लेंगे। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।